पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूथ कंपटीशन टाइम्स यूपी मुख्य शिक्षिका का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट संख्या 16 है। मित्रों, अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूथ कंपटीशन टाइम यूपी मुख्य शिक्षिका प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। और एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा, 10 से 15 क्वेश्चन की सीरीज आपको वेबसाइट पर भी मिल रही है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वेबसाइट को जरूर देख लीजिए। पीछे पाठशाला की अपनी वेबसाइट है और वहाँ पर आप लोगों को 10 से 15 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज डेली बाय डेली आप लोग को मिलती रहेगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वेबसाइट आप लोग जरूर देख लें, वहाँ पर सब कुछ निःशुल्क सामग्री आपको मिलता रहेगा परीक्षा होने तक। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 76 देखिएगा, खीस बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें भरपूर प्रोटीन एवं क्या होता है, तो आपके रिक्त स्थान पर क्या रहेगा, तो ये प्रतिरक्षी होता है, प्रतिरक्षी। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 77 देखिए, किस उम्र के बच्चों के लिए नवजात शब्द प्रयुक्त किया जाता है, तो किस उम्र के बच्चों के लिए नवजात प्रयुक्त होता है, विकल्प डी, जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए नवजात प्रयुक्त किया जाता है, जन्म से 2 वर्ष के बच्चों के लिए नवजात शब्द प्रयुक्त किया जाता है और 2 से 6 शिशु कहा जाता है। प्रश्न 78 देखिएगा, अस्पताल में प्रसव कराने से क्या हानि है, अस्पताल में प्रसव कराने से क्या हानि होती है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न 78 का डी ऑप्शन सही है, सभी हानियां होती है, नर्स की रति व्यवस्था से ठीक से प्रसूति की देखभाल नहीं हो पाती, पैसा भी बहुत खर्च होता है, सदस्यों की भागदौड़ अधिक हो जाती है, तो उपयुक्त सभी। ये प्रश्न थोड़ा अटपटा लग रहा है, हाँ यह उस हिसाब से उतना कुछ यह आपका कुछ सही नहीं है मेरे हिसाब से, अब आप लोग देख लीजिए। वैसे तो इसमें ऑप्शन में उत्तरमाला में डी ऑप्शन दिया हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब भाई, प्रसव अस्पताल में तो है, इसीलिए अस्पताल बनाया गया है कि अस्पताल में यह कार्य हों, तो यह हानि का कहाँ से आ गया। प्रश्न 79 देखिएगा, गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था में रेडियम एवं एक्स किरणों के प्रयोग से शिशु में हो सकता है, तो क्या हो सकता है, तो माइक्रोसेफाली हो सकता है, विकल्प बी, एक प्रकार का रोग होता है, यह शिशु में देखने को मिल सकता है, विकल्प बी। किस अंग, वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण की माता के रक्त से पोषण मिलता है, तो वह अंग जिसके तो गर्भनाल के द्वारा ही पोषण मिलता है, तो विकल्प सी जो है सही है आपका। प्रश्न 81 देखिएगा, कार्पस लूटियम स्रावित करती है, तो क्या स्रावित करती है, तो यह ए और सी ऑप्शन होगा, विकल्प बी, मतलब प्रोजेस्ट्रान और इस्ट्रोजन, ये दोनों ही स्रावित करती है, तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 82 देखिएगा, जल और भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होते हैं, जल और भोजन जो होते हैं मक्खी के कारण ज़्यादा संक्रमित होते हैं, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 83 देखिएगा, पुष्टिकर पदार्थ होता है तो ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करता है, पुष्टिकर पदार्थ ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करता है, तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है, 83 का ए जो है सही है आपका। प्रश्न 84 देखिएगा, जब ध्वनि ग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है तब रूप ग्राम बनता है, जहाँ ध्वनि ग्राम होते हैं तो क्या होते हैं, तो भाषा बनाने वाली ध्वनि होती है, मतलब विकल्प बी जो है वो आपका सही है, 84 का भी सही है। प्रश्न 85 देखिएगा, पैर की उंगलियों को पंखे के समान फैलाना है, तो पैर की उंगलियों को पंखे के समान फैलाना है, तो 85 का ए सही है, सहज क्रिया 85 का ए सही है, सहज क्रिया। प्रश्न 86 देखिएगा, मातृ और बाल मृत्यु दर कम करने का उपाय क्या है, तो मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा पर प्रसार, तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है, 86 का सी। प्रश्न 87 देखिएगा, शिशु को खसरे का टीका इस उम्र पर लगाया जाता है, तो शिशु को खसरे का टीका किस उम्र पर लगाया जाता है, तो 9 माह पर लगाया जाता है, विकल्प डी जो है वो आपका सही है, 87 का डी ऑप्शन सही है। प्रश्न 88 देखिएगा, एक बच्चा इनके द्वारा मोटर स्किल सीख सकता है, तो एक बच्चा जो है किसके द्वारा मोटर स्किल सीख सकता है, तो प्रतिरक्षण और त्रुटि बुद्धि नकल करना प्रशिक्षण सबसे यह मोटर विकल्प सीख सकता है, विकल्प डी। प्रश्न 89 देखिएगा, पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले BMR होता है, तो क्या होता है, BMR जो होता है अधिक होता है, अधिक, 89 का जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। प्रश्न 90 देखिएगा, मैरस्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि मैरस्मस एक प्रकार का रोग होता है और इससे प्रभावित बच्चे से हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, तो इसी प्रभावित जो बच्चा होता है कमजोर होता है क्योंकि वह कमजोर होता है,
क्योंकि वह कमजोर होता है, हड्डियां प्रभावित होती हैं, हड्डी कमजोर हो जाती है। विकल्प जो है आपका सही है। आपका प्रश्न 91 देखिएगा, पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है तो कैसे होता है? उबालने से पोषक तत्वों का जो धारण क्षमता होती है अधिक होती है। विकल्प सी। प्रश्न 92 देखिएगा, भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करता है? तो शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, सभी प्रकार का कार्य करता है। विकल्प डी। ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा, बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं ग्राम में होती हैं, ये आपको बताना है। तो 93 का जो ए ऑप्शन है वो आपका सही है, मतलब 3.5, 2.5, फिर 1.5, मतलब विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 94 देखिएगा, कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं? तो 94 का बी ऑप्शन सही है, बी क्या कर रहा है? 1, 2, 3, 4, हड्डी की संरचना, न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना, रक्त जमाना, झिल्ली की पारगम्यता, ये सभी सही हैं। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 95 देखिएगा, शिशु के हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन काम करता है, ये बताना है आपको। तो 95 का बी ऑप्शन सही है, मतलब विटामिन डी। प्रश्न 96 देखिएगा, परामर्श एक है तो क्या है? व्यक्तिगत प्रक्रिया है परामर्श। परामर्श जो है एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 97 देखिएगा, प्रभावी परामर्श के लिए क्या करना चाहिए तो इसमें डी ऑप्शन सही है। उपरोक्त सभी, मतलब प्रार्थी के साथ अच्छे संबंध विकसित करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और शिकायतों को ध्यान से सुनना चाहिए, मतलब उपरोक्त सभी। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 98 देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विकल्प सी जो है सही है, इसी दिन 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। प्रश्न 99 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के लिए कार्य करती है? तो वो है आपका यूनिसेफ। विकल्प सी। प्रश्न 100 देखिएगा, UNFPA की आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के तहत लैंगिक समानता सूचकांक कितनी है? तो ये है 0.98। तो विकल्प ए जो है आपका सही है, 0.98। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएगा, यूपी मुक्सोईका उत्तर प्रदेश यूथ कंपटीशन टाइम्स यूपी मुक्सोईका प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, इस वीडियो को देखिए। 25-25 क्वेश्चन की सीरीज में डालता हूँ और जैसे ही 100 क्वेश्चन पूरा हो जाता है एक फुल प्रैक्टिस सेट भी दे देता हूँ। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स फुल प्रैक्टिस सेट के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो दोनों को आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वेबसाइट को जरूर आप लोग देख लीजिएगा, वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ 10 से 15 क्वेश्चन डेली बाय डेली मैं डालता रहता हूँ वेबसाइट पर, तो आप लोग बिल्कुल देखा करें। धन्यवाद।